जिनके पास बुक्स नहीं है प्लीज अवेलेबल नाउ। ओके तो आप लोग सबसे पहले देखेंगे इन आर डेली लाइफ देयर आर मेनी इंस्टेंस व्हेन आई नोटिस सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ द मटेरियल। कि आपकी डेली रूटीन में कुछ चीजें होती है जिनको आप लोग सेपरेट करते हैं, जैसे कि आपके घर में मदर होती है, मदर क्या करती है, गेहूं साफ करती है। गेहूं साफ क्यों करते हैं, ताकि उसमें से आप कंकर निकाल के सेपरेट कर सके। चावल होते हैं, चावल को धो के आप लोग यूज करते हैं किचन में, ये सब चीजें होती है। अब लिक्विड होता है, लिक्विड को कई बार आपको इम्प्योर वाटर आपके टैप में आ जाता है, गंदा पानी जब नल में कभी कभी आता है तो उसे हम लोग छान कर काम में लेते हैं। तो ये सारे मैथड्स होते हैं, अलग अलग सेपरेट सेपरेट मैथड होते हैं। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे पदार्थों का पृथक्करण, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पार्ट का परिचय। अब इसमें है कि यहाँ पर दिया टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। कि हम लोग चाय बनाने के बाद उसको छानते क्यों है, अगर आप लोग नहीं छानेंगे तो उसकी जो पोर्शन है, जो चाय पत्ती वाला पोर्शन है, अगर वो आप कप में ले लेंगे तो इट इज नॉट अच्छा नहीं लगेगा आपको, अच्छा बिल्कुल और इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो अगर चाय अगर सेपरेट नहीं होगी तो वो लिक्विड का क्या मतलब रहा, उसकी जो अशुद्धियाँ है, जो गंदगी है वो आ जाएगी। इसलिए हम उसको टू यूज करते हैं, स्ट्रेनर से छानने की कोशिश करते हैं। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट व्हाइल हार्वेस्टिंग। कि ग्रेन्स को हम लोग सेपरेट करते हैं इससे चुभने से, जिसे यहाँ पर होता है हस्त चयन की विधि से। मिल्क और कर्ड इज टर्न बाय द सेपरेटेड द बटर, सॉरी बटर। कि हम लोग दूध में से मक्खन निकालते हैं उसे मथ कर। ये आपको पता है कि गांव में आप लोगों ने देखा होगा, ये घर में भी मम्मी होती है तो मम्मी उसको उससे छलनी छलनी क्या बोलते हैं उसको, बीटन, हाथ से चलाने वाली जो होता है उससे निकालती है मम्मी, सेपरेट कर लेती है उसको। एज वी लर्न द चैप्टर नंबर 3 बिग इंपॉर्टेंट टू सेपरेटेड सीड्स फ्रॉम द फाइबर। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो सीड्स थे, बीज थे, उनमें से कॉटन को कैसे सेपरेट किया जाता था। तो आज हम लोग यही चीजें सारी इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। Perhaps you might have been eaten salted or dalia पोहा। कि आप लोग नमक वाला दलिया और पोहा खाते हैं, उसमें आपकी मम्मा ने क्या डाल दी, उसमें थोड़ी मिर्ची काट करके डाली है, तो उस मिर्ची को आप लोग सेपरेट कैसे करेंगे, मुश्किल होता है। फिर भी आप लोग करते हैं, उसको साइड में रख देते हैं। कई बच्चे होते हैं जो टमाटर नहीं खाते सब्जी से, वो साइड में रख देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, सेम इजी बट इट इज द मटेरियल वी कैन सेपरेट एज अ मच। कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको अमरूद और आम को सेपरेट करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, एक सेपरेट टोकरियाँ लेंगे, दो बास्केट्स लेंगे, एक में अमरूद रख देंगे और एक में मैंगोज रख देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगर आपको सैंड में से नमक यानी कि मिट्टी में से नमक को अलग करने के लिए कहा जाए तो इट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल पॉसिबल होता ही नहीं कि भाई नमक में से आप मिट्टी को कैसे अलग करेंगे, दोनों बारी बारी चीजें। भाई मैंगोज में से अमरूदों को जब अलग करने की कहा था वो तो एक ठीक है कि बड़े बड़े आपके सब्सटेंस थे, थोड़े बड़े थे भाई, मैंगोज भी बड़े थे और अमरूद भी बड़े थे तो आपने इजीली कर दिया। लेकिन अगर सैंड में से मैं कहूँ सॉल्ट अलग करना है तो इट इज नॉट पॉसिबल, तो इस मिक्सचर को जो अब आप लोग हाथ से नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन सब के क्या होते हैं बच्चों, मैथड्स होते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, मैथड्स ऑफ सेपरेशन। कुछ ये चयन विधियाँ होती है किसी चीजों को सेपरेट करने की, पदार्थों को विभक्त करने की, पृथक्करण की कुछ विधियाँ यहाँ पर दी हुई है जो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कॉलम 1 में, कॉलम 2 और कॉलम 3 में कुछ आपको अनस्क्रैम्बल या जंबल्ड जिसे कहते हैं, ऊपर नीचे 3 कॉलम दिए हुए हैं। इन कॉलम्स में आपको बताया है कि 3 विधियाँ, अब तीनों को जमाया नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर बताया, पहले बताया सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। कि आप चावल को पत्थरों में से कैसे निकालेंगे, ये सॉरी चावल में से पत्थर कैसे अलग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट में आपको दिया हुआ था उद्देश्य, जिसे कहते हैं पर्पस फॉर विच टू बी द सेपरेशन, कि आप कैसे इसके उद्देश्य प्राप्त करेंगे। तो इसका होगा सी, फर्स्ट का पोर्शन होगा सी, टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। कि क्या करेंगे आप उसको इम्प्योरिटीज निकालने के बाद में ही चावल को काम में लेंगे, ये आपको उद्देश्य पर्पस क्या है इसका, उसका कुछ उद्देश्य तो होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को प्योर कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके लिए करेंगे हम लोग कि उसमें से इम्प्योरिटीज को हटाकर उसको कंपोनेंट्स को काम में लेंगे। और इसका सी पॉइंट में होगा सेकेंड वाला, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, कि हम लोग इसमें से स्टोन निकाल कर क्या कर देंगे, उनको बाहर निकाल कर फेंक देंगे। सेकेंड है टर्निंग द मिल्क एंड द ऑब्टेन बटर, कि दूध में से बटर को कैसे, छाछ में से बटर कैसे निकालेंगे आप। तो इसका आएगा टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कॉम्पोनेंट्स, कि हम दोनों चीज़ों को काम में लेंगे लेकिन कैसे, मथने वाली क्रिया से इसको अलग करेंगे। तो इसका ये उद्देश्य हो गया हमारा, एंड वी यूज बोथ द कॉम्पोनेंट, कि दोनों ही चीज़ें हमारी किसकी है, काम की है।
कचरा रह जाता है, वो नॉट यूजफुल है ना। तो इसी का सी पॉइंट होगा, वी थ्रो अवे द सॉलिड कॉम्पोनेंट्स, उसकी जो गंदगी है वो हटा कर अलग कर देते हैं। अब हमारा कि यहाँ पर प्रोसेस विद द पर्पस ऑफ टू अवे सेपरेट कॉम्पोनेंट्स आर यूज, कि हम लोग कर क्यों करते क्यों ऐसा, ये सेपरेशन करने का हमारा उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। तो वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस टू मेक इट अ मिक्स्ड विद इट, कि जो कुछ खाने वाली और कुछ नहीं खाने वाली अशुद्धियाँ जो होती है वो मिक्स होती है, उनको अगर आप अलग नहीं करेंगे तो ये हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। आप सोचिए कि अगर आप चावल के साथ में या गेहूँ के साथ में अगर पत्थर नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, वो आपके बॉडी में जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप उसको बनाएंगे तो पहले तो खाने में ही प्रॉब्लम आएगा, मुँह में पत्थर बनकर आएंगे तो आप सोचिए कि कुछ अच्छा लगेगा कहीं। तो स्मूथली आप च्यूइंग करते हैं फूड को, चबाते और खाते हैं, एक उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती तो इट इज़ नॉट टेस्टफुल, अच्छा नहीं लगेगा। तो एक तो यही उद्देश्य होता है हमारा, इसीलिए हम लोग उसको सेपरेट करते हैं। द सब्सटेंस टू बी द सेपरेटेड मे बी द पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल, और ये सेपरेशन जो होता है इसके भी मेथड साइजेस के अकॉर्डिंग होता है और मटेरियल्स के अकॉर्डिंग होता है। अब कुछ लिक्विड है, लिक्विड को आप कैसे अलग कर लेंगे, भाई दो चीज़ें लिक्विड है जैसे मैंने कहा तेल और पानी को, ऑयल को और वाटर को मैंने मिला दिया, अब इसमें आप कौन सी मैथड को लगाएंगे आपको पता नहीं है, तो वही सारे मैथड यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे। पहला है हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग में यहाँ पर बच्चों एक फोटो दिया है, एक मैन है देखिए हैंड पिकिंग कर रहे हैं। अब इसकी एक्टिविटी बताइए, क्लासरूम में आप थोड़े से ग्रेन्स या चावल का कुछ बर्तन ले लीजिए एक भरा हुआ, और उसे आंगन में या किसी शीट पर फैला लीजिए। शीट पर फैलाने के बाद में आप लोग क्या करेंगे कि इसमें से जो छोटे छोटे कंकर पत्थर जो भी अशुद्धियाँ टूटे हुए अनाज उसमें होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे साइड में कर देंगे। तो ये मैथड हमारा कहलाता है हैंड पिकिंग, हस्त चयन। जैसे मम्मी जो घर में गेहूँ साफ करती है आप लोग हेल्प करते हैं तो क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ऑलमोस्ट यही होता है, हम लोग तो कॉमनली राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये चीज़ हमें पता है कि इसी हैंड पिकिंग मैथड से हम लोग गेहूँ को साफ कर लेते हैं, इम्प्योरिटीज को अलग कर देते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, अब ऐसा इसलिए हो जाता है कि गेहूँ और जो उसमें अशुद्धियाँ हैं, अशुद्धियों का मतलब है कि उसमें कंकर पत्थर टूटे हुए चावल या टूटे हुए और कुछ दाने सॉरी, वो इसलिए सेपरेट हो जाता है क्योंकि इट इज पॉसिबल कि उसमें से आप उसका उठा के अलग कर सकते हो। तो यहाँ पर ये मेथड बिल्कुल सही रहेगा, हस्त चयन एंड हैंड पिकिंग इज अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ द सेपरेटिंग सब्सटेंस। तो इसीलिए गेहूँ और अनाज के लिए ये मेथड जो है बिल्कुल परफेक्ट है। देन नेक्स्ट है थ्रेसिंग, अब थ्रेसिंग का मेथड देखिए, जो बच्चे विलेज वाली साइड से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि गांव में जब गेहूँ की फसल तैयार हो जाती है या चावल की फसल जब तैयार हो जाती है तो उनको थ्रेसिंग करवाई जाती है, मतलब थ्रेसर आ जाता है एक ट्रैक्टर उसमें डाल देते हैं तो गेहूँ गेहूँ एक तरफ हो जाता है और कचरा कचरा अलग हो जाता है, उसे कहा जाता है थ्रेसिंग। तो कई लोगों ने देखा हुआ भी है या लिखा, यू मस्ट हैव सीन द बंडल ऑफ वीट द पैडी स्टॉक लेइंग ऑन फील्ड आफ्टर द हार्वेस्टिंग द क्रॉप, की फसल काटने के बाद उसे खेतों में रख दिया जाता है। अब गेहूँ की बालियाँ होती है, गेहूँ की बालियाँ होती है तो उसमें से गेहूँ को कैसे अलग करेंगे, आप पता है कि एक एक बाली में 100-100, 200-200 गेहूँ होता है, तो उसको सेपरेट करने का क्या मेथड होता है, उसका सेपरेट करने का मेथड ये तो है नहीं कि आप एक एक गेहूँ के दाने को सेपरेट करेंगे, तो उस मेथड के लिए उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, डाइट टू द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम दिट, सबसे पहले तो हम उसको सूरज की रोशनी में चौड़ा करके रख देंगे ताकि क्या हो जाए वो ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद में उनको क्या किया जाता है, उन ग्रेन्स को इमेज द नंबर ऑफ ग्रेन सीड द 100 ऑफ द बंडल्स, उन बंडल्स को एक साथ रख लिया जाता है, और यहाँ पर इमेज में जैसा कि बताया गया है कि इस इमेज के थ्रू इन बंडल्स को हमने पहले धूप में ड्राई कर लिया, देन इनको सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद जो मशीन होती है उसमें डाल दिया, उस मशीन से क्या होता है बच्चों प्रेशर लगता है, प्रेशर लगने की वजह से जो ग्रेन होता है जो अनाज होता है वो अलग हो जाता है और जो कचरा होता है वो अलग हो जाता है। और जो कम स्तर पर किया जाता है वो बैलों से भी करवाते हैं, बैल होते हैं वो थोड़ा वो मेथड होता है उसको दबाते हैं, दबाने से क्या होता है वो अनाज के जो पीस होते हैं वो अलग हो जाते हैं। देन थर्ड है हमारा विनोविंग, विनोविंग जिसे निष्पावन कहा जाता है। अब इस मेथड में ये भी कॉमनली मदर अपनी होती है वो घर में यूज करती है, मैं खुद भी यूज करती हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पर फोटो में दिखा है ये लेडी ये टेबल पर चढ़ी हुई है, इसने हाथ में थाली या प्लेट लिया है, उसमें कुछ ग्रेन्स ले लिए, कुछ गेहूँ के दाने ले लिए और उसमें बहुत सारा कचरा था, कौन सा वाला हल्का पत्ती या लीफ वाला, यहाँ पर एक्टिविटी भी करके दिखाएंगे अभी आपको कि आप कुछ प्लेट में दाने ले लीजिए किसके गेहूँ के और उसमें बहुत सारी सूखी पत्ती
उसकी चैन से इसको साफ करते हैं। तो क्या करते हैं, एक हवा वाली जगह पे जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और उसमें आप एक फ्लैट स्पेस पर खड़े हो जाइए, समतल जगह पर खड़े हो जाइए, और हाथ में या प्लेट में जो भी आपको साफ करना है उस मटेरियल को डाल दीजिए। देन आप उसको ऐसे ऐसे धीरे 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 उसको उड़ाइए। तो जो आपको पता है कि भारी चीज होगी वो सीधी जाएगी, गुरुत्वाकर्षण के कारण भी ऐसा होता है, पता है ना आप लोगों को। तो जो भारी चीज होगी वो कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, और जो हल्के जो कचरा होगा, जो फूस होगा, भूसा होगा, या उसमें जो पत्तियाँ या लीव्स है वो कहाँ चली जाएगी, साइड में उड़ जाएगी। क्योंकि वो वेट ही नहीं होता, पता आप लोगों को, कि हल्की चीजें उड़ती है और भारी चीजें नहीं उड़ती है। तो इसीलिए वो ग्रेन्स जो थे वो आपके गेहूँ के दाने थे वो बिल्कुल सीधे आ गए आपके शीट के ऊपर, जो हमने कपड़ा बिछा कर ये वर्क किया था उस पर आ गए, और पत्तियाँ का चली गई साइड में, जो बचना था एक्स्ट्रा वो, इसे हम लोग कहते हैं विविंग। सीलिंग, सीलिंग का मतलब है चालन। चालन मतलब होता है, देखो घर में जो आप लोगों के मदर आटा गूंथती है, आटा गूंथने के टाइम आप लोग उसको छलनी से छानते हुए देखते हैं मम्मी को। अब उस छलनी से छानते हुए देखते हैं तो वो क्यों छानती है मम्मी, ताकि जो मोटा मोटा आटा जो होता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ चापड़ बोलते हैं, चोकर जिसे बोला जाता है, ठीक है, तो वो चोकर क्या हो जाती है, ऊपर रह जाती है, और जो आपका महीन आटा होता है, जो बारीक फ्लोर होता है बिल्कुल, वो कैसे आ जाता है, नीचे बर्तन में आ जाता है। तो इस विधि को हम लोग कहेंगे चालन, जो छानने की क्रिया होती है। अब यहाँ पर लिखिए, लिखा हुआ भी है, कई बार होता है, देखो जब मकान बन रहे होते हैं, सब लोगों ने देखा कंस्ट्रक्शन का जब वर्क चल रहा होता है तो वहाँ पर बड़े बड़े छलनियाँ लगी होती है, इतने बड़े बड़े, और मजदूर क्या करते हैं, उसमें से रेत को छान रहे होते हैं। तो जो अच्छी रेत है वो साइड में चली जाती है, नीचे छलनी के नीचे आ जाती है, और बाकी जो कंकर होते हैं वो साइड में आ जाते हैं। तो इस मैथड को अभी यहाँ पर फोटो में भी ये दिखाया है, देख लीजिए पेज नंबर 38 पर, ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग, यही चीज है स्विंग। तो यहाँ पर ये मैथड है। अब ये सारे मैथड में मैंने आपको बताया हैंड मेकिंग। अब ये जो मैथड यूज की जाती है सब्सटेंस, अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस हम लोग यूज करते हैं, पदार्थों के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। अब ये तो हो गई हमारी सारी ठोस चीजें थी, कि ठोस चीजों को आपने छलनी से कर लिया, हस्त चयन से कर लिया, प्रेसिंग से कर लिया, निष्पावन या विनोविंग से कर लिया। लेकिन अगर लिक्विड चीजें होगी तो आप उसको कैसे, या आप उसको हस्त चयन कर लेंगे, या प्रेसिंग कर लेंगे, या निष्पावन कर लेंगे, या चालन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इनके लिए भी कुछ अलग मेथड्स होते हैं बच्चों, वो हम लोग पढ़ेंगे नीचे वाली एक्टिविटी में। यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट टॉपिक आ रखा है हमारा सेडिमेंशन, डेस्टिनेशन एंड फिल्ट्रेशन। सबसे पहले है अवसादन, देन निस्तारण, और देन निस्पंदन। ये तीन मेथड होते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो तरल वस्तुएं होती है, जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, उनको हम लोग सेपरेट करने के लिए ये मेथड्स को काम में लेते हैं। सेडिमेंशन, सबसे पहले हमारा सेडिमेंशन। सेडिमेंशन में क्या होता है, समटाइम इट नॉट बी द पॉसिबल टू सेपरेट कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय रिमूविंग एंड अ हैंड पिकिंग, कि कुछ ऐसा मिक्सचर जिसको आप इन दोनों ही मेथड से अलग नहीं कर सकते, उस स्थिति में क्या कहा जाता है, सेडिमेंशन का प्रोसेस या मेथड काम में लेते हैं। जिसे कि एग्जांपल में आपको बता देती हूँ कि लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल इन राइस और द पल्स, कि जो चावल और दाल होते हैं उसमें कुछ ऐसे चीजें, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप लोग क्या कर सकते हैं, अलर्ट नहीं कर सकते, जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहे। तो उसके लिए क्या करती है आपकी मदर, सबसे पहले जब दाल या चावल बनाती है तो क्या करती है, उसको पानी लेती है बर्तन में, और फिर वो जो अभी आपके चावल है या दाल है उसको डाल देती है, देन उनको धोते हैं। धोने के बाद ऊपर जो पानी आता है वो कैसा काला काला से मटमैला सा दिखाई देता है। वो मटमैला सा पानी क्यों दिखाई देता है, ये चीज हम लोग बताएंगे अभी काल में। कहा जाता है यहाँ पर लिखा है, समटाइम इट मे नॉट बी द पॉसिबल सेपरेट कॉम
impurities like dust, particles get separated. कि ये आप धोते हैं तो ये ऊपर आ जाता है गंदगी वाला पानी. These impurities go into the water. और वो water में आने के बाद में will sink in the bottom of the vessel, rice or dust. और उसमें नीचे दाल और चावल बैठ जाते हैं. क्योंकि मैंने बताया कि जो ठोस चीज होगी वो हमेशा पहले में ही रहेगी, नीचे की तरफ ही रहती है. Why? Have you seen this? The vessel is dirty turn for both of the dirty bottle. कि ऐसा क्यों हुआ? अब आप लोगों ने ये तो कहते हैं कि मैडम ने कहा कि इसे हम लोग इम्प्योर कर रहे हैं, चीज को निकालने के लिए मैथड मिलते हैं. लेकिन ये हुआ कैसे, पॉसिबल कैसे हुआ? When the heavier components in the mixer settle after water is added to the process is called sedimentation. कि जब हम लोग ये देखिए मैंने एक बर्तन लिया, इसमें मैंने ये दालें हैं मेरे पास और ये मेरा वाटर का लेवल है, ठीक है. ये मेरे क्या हो गए, राइस हो गए या चावल हो गए. ये मेरा क्या हो गया, डस्ट वाटर हो गया, इम्प्योर वाटर. मैंने क्या किया, अब आपको पता है कि जो भी मेटल या मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, हैवियर होते हैं. किससे, वाटर से. तो ये हैवियर होने के बाद में जो ये इम्प्योर वाटर जो था ये क्या था, लाइटर था. किससे, इससे. ये क्या थे, हैवी. ये हैवी होने की वजह से बच्चों ये नीचे बैठ गए. ये प्रैक्टिकल आप करना आज घर में कि ये जो ग्रेस थे ये हैवी थे इसलिए नीचे बैठ गए और ये इम्प्योर वाटर था ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया. दैट इट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन प्रोसेस या मेथड. ये मेथड हुआ, ओके, इट इज क्लियर. समझ में आ चुका होगा शायद आपको. उसके बाद आता है हमारा सेकेंड मेथड, टेक्टेनेटेशन. अब इस टेक्टेनेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि व्हेन द वाटर इज रिमूव द प्रोसेस इज कॉल्ड टेक्टेनेशन. कि जब ये पानी खा गया, अब इस पानी को मैंने इस ग्लास में ले लिया और इस ग्लास से ये जो पानी था ये कहां डाला मैंने, इस ग्लास में पानी को मैंने इस पानी में डाला. तो ये जो गंदा पानी इस बर्तन में से निकालने के बाद यहाँ लिया और यहाँ से यहाँ डाला, इट इज कॉल्ड टेक्टेनेशन प्रोसेस. निस्सारण कहा जाता है इसे, यानी कि निकालना. और उसके बाद में थर्ड मेथड आएगा अभी हमारा, फिल्ट्रेशन, जो हम अभी पढ़ेंगे. फिल्ट्रेशन में होता है कि सम द प्रिंसिपल इज यूज फॉर द सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट द मिक्स ऑफ ईच अदर. कि कई बार होता है जब आप लोग देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर मैंने दो एक ग्लास लिया है, इसमें मैंने ऑयल और वाटर दोनों क्या कर दिया, ऐड कर दिया. यहाँ पे प्लस का साइन है, मतलब मैंने इसमें ऑयल भी डाला है और वाटर भी डाला है. थोड़ी देर बाद जब मैं इसको रख दूंगी तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगी, एक ऑयल की लेयर आ जाएगी, ऑयल लेयर. और वाटर लेयर जो है मेरी कहाँ रह जाएगी, नीचे, क्योंकि आपको पता है ऑयल जो है थोड़ा अच्छा. तो यहाँ पर ये चीज है कि जब मैंने इसको बताया कि जब मैंने वाटर के साथ में ऑयल लिया तो इसको मैं सेपरेशन करने का मेरे मेथड भी होगा. अब मैं आपको तो हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल. प्रेसिंग, नॉट पॉसिबल. विनोविंग, नॉट पॉसिबल. सीविंग, नॉट पॉसिबल. तो इसके लिए जो मेथड होगा उसको मैं क्या करूंगी कि जब इसको पानी और तेल को एक साथ डाला मैंने, डालने के बाद इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया. रखने के बाद जब इस ग्लास को, ये मेरा क्या था, एम्प्टी ग्लास था, खाली ग्लास था, और ये मेरा एक जो मैंने मिक्सचर बनाया था वो मिक्सचर, ठीक है. अब इस मिक्सचर का पानी जो था वो मैंने इसमें डाला तो ऊपर क्या होगा, एक ऑयल की जो लेयर थी वो मैंने सेपरेट कर ली, ऑयल लेयर.